नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। जी हां दोस्तों, आज की पूरी दोस्तों कोर्ट अपडेट इस वीडियो में देखने वाले हैं कि दोस्तों 23 जनवरी 2020 को आखिर कोर्ट में क्या हुआ। जी हां दोस्तों, आज जस्ट आपको एक बड़ा फैसला देखने को मिला। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखिएगा, जिससे दोस्तों आप जान पाएंगे कि आज की सुनवाई के बाद किसका पक्ष ज्यादा मजबूत हुआ दोस्तों, 40-45 टीम का या 60-65 का। और दोस्तों आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि आज एजी सर खुद कोर्ट में मौजूद थे। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी कि दोस्तों एजी सर का कोर्ट में मौजूद होना मतलब दोस्तों ये दर्शाता है कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती को दोस्तों ज्यादा दिन नहीं बचे। डबल बेंच से दोस्तों ये केस किसी भी समय फाइनल हो सकता है। जी हां दोस्तों, और आपको एक बात और बता दें कि आपको अगली सुनवाई की तारीख 28 जनवरी दिन मंगलवार दोपहर 2:15 से शुरू होने वाला। तो दोस्तों आज की पूरी कोर्ट अपडेट देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, आखिर हुआ क्या कोर्ट में। जी हां दोस्तों, पहले मिनट से लेकर अंतिम मिनट तक क्या हुआ, कैसे दोस्तों स्थिति बदल रही थी, कभी इनका पक्ष मजबूत कभी उनका पक्ष मजबूत। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों आज की पूरी कोर्ट अपडेट वो भी देख सके। और चैनल पर अगर आप लोग अभी तक हमारे नए हो तो जो रेड कलर की सब्सक्राइब की दोस्तों बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर तो आपको करना ही अपने दोस्तों के साथ कि आखिर कोर्ट में आज क्या हुआ। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर आज कोर्ट में क्या हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले आपके केस की सुनवाई शुरू होती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आज आपके महाधिवक्ता महोदय कोर्ट में खुद उपस्थित होते हैं। फिर दोस्तों बीटीसी टीम का दोनों सीनियर अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित, कालिया सर, तिवारी सर। तो दोस्तों आज आपके सारे सीनियर अधिवक्ता भी कोर्ट में उपस्थित थे। फिर दोस्तों बीटीसी की तरफ से दोनों सीनियर, बीएड की तरफ से केवल एक सीनियर आज कोर्ट में मौजूद थे। फिर दोस्तों कालिया सर ने जज साहब से किया निवेदन। देखिए दोस्तों, क्लाइंट का पैसा और समय हो रहा है बर्बाद, तो ऐसे में उचित यही है कि जल्द दोस्तों आपका केस को निस्तारित करिए। कोर्ट में कालिया सर, अनिल तिवारी सर, महाधिवक्ता सर समेत 90-97 का पैनल आपका पूरा मौजूद रहा। तो दोस्तों जज साहब ने मित्रा जी से रिटर्न सबमिशन मांगा। फिर दोस्तों क्या होता है आपका, एजी साहब खुद बहस कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी बात आज की सबसे बड़ी बात यही रही कि आज आपके एजी सर ने खुद बहस की। उसके बाद दोस्तों होता है कि आपके जज साहब ने महाधिवक्ता महोदय से कहा, सिर्फ वो बिंदु कवर करिए जो मिश्रा जी ने उठाए थे। पेज नंबर 298 स्टेट की स्पेशल अपील में ठीक दोस्तों 2x क्वालिफाइंग मार्क्स डिफाइन किया हुआ है। ठीक दोस्तों, रूल्स इटसेल्फ मेक इट क्लियर दैट इट शुड बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एजी सर। ये आपके दोस्तों एजी सर ने कहा, मिनिमम शुड मिनिमम क्वालिफाई मार्क टाइम सेम कैटेगरी सेम सिलेक्शन। फिर दोस्तों बात क्या होती है आपकी, क्वालिटी पॉइंट पर एजी सर आपके शुरू होते हैं। एजी सर सिंगल जज के जजमेंट को पढ़ रहे हैं, स्टेट वाइंड्स वेटर नॉर्थ वेस्ट मेटोरियस दे आर हैविंग एक्सपीरियंस कैंडिडेट। ठीक दोस्तों, लास्ट 20 ईयर मतलब लास्ट आपके 20 साल, अंतिम 20 साल। पेपर का सिलेबस 1-5 का था, जिन स्कूलों में आप पढ़ाते हैं उसकी कठिनाइयाँ थोड़ा अधिक थी, फिर आपका अनुभव क्यों नहीं काम आया। जी हाँ दोस्तों, एजी सर ने ये सवाल उठाया। नई बेंच में सरकार अपना पक्ष रख रही है, इसके बाद अपने पक्ष की बहस शुरू होगी, पवार की क्रॉस क्वेश्चन। फिर दोस्तों, व्हाट इज द बेस ऑफ क्वालिफाइड मार्क जज। ठीक ना दोस्तों, आपके क्या है भाई, क्या बेस होना चाहिए आपके क्वालिफाइड मार्क का। फिर दोस्तों न्यूज 18 का 62 दोहरा रहे हैं आपके एजी सर। जी हाँ दोस्तों, कल जो एक वायरल न्यूज आई थी आपने देखा होगा न्यूज 18 पर, दोस्तों इन्होंने दोस्तों अपना इंटरव्यू दिया था जिसमें दोस्तों एजी सर ने कुछ बातें कही थी, वही बातें यहाँ पर रिपीट की जा रही है दोस्तों कोर्ट में भी। फिर दोस्तों क्या होता है, देखिए माथुर सर इनिजुअल फॉर्म में कोर्ट में बहस करते हुए आज ऑर्डर रिजर्व होने के 100% चांस दोस्तों इस समय तक दिख रहे थे, जिस समय की दोस्तों बात उस समय की बात हो रही है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, पर्पस ऑफ होल्डिंग दिस एग्जामिनेशन इज टू गेट बेटर टीचर नॉट टू डिबेयर एनी वन, पेज 310 इज हाउ मार्क्स विल बी डिवाइडेड, माई सबमिशन इज डेट इट इज सेम फॉर द आल एक्सपीरियंस नो डिस्क्रिमिनेशन, दिस रीजन इज फॉल्स बिकॉज एवरी वन ट्राई टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स विद देयर होल कैपेबिलिटीज। ए जी सर ने दोस्तों ये कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही नहीं कहा कि केवल टेट पास कर ले तो नियुक्ति दे दी जाए, जो क्राइटेरिया बनेगा उसको क्लियर करने के बाद ही इनको नियुक्ति दी जाएगी। फिर दोस्तों बात होती है कि नियम के हिसाब से पहले परीक्षा को पास करना पड़ेगा, तब वेटेज देगी आपकी सरकार। एजी साहब बहस कर रहे हैं, बीटीसी के दोनों सीनियर कालिया जी तिवारी जी मौजूद, इस समय बीएड की तरफ से कोई सीनियर नहीं। वी गेट बेटर पर्सन द मैनर इज एग्जाम इज सिमिलर,
द रूल्स द मैनर इज एग्जाम इज सिमिलर। जमीनी स्तर पर संघर्ष के बाद कोर्ट रूम में 200 टीम के पैनल का जलवा बरकरार। अब ना पूछना कि वकील आएंगे या नहीं, बीटीसी लीगल टीम। देखिए दोस्तों, इज इक्वल फॉर ऑल कैंडिडेट, एवरीवन नोस बेटर द रूल्स के मंजूश्री। फिर दोस्तों आपके एचएन सिंह सर का कहना है कि ये कहीं नहीं लिखा था कि वो कटाव केवल उसी भर्ती के लिए था। जज साहब ने पढ़कर खुद बता दिया कि केवल 2018 के लिए दोस्तों वो था। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर पुरानी विज्ञप्ति देखी होगी जो 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए जारी हुई थी दोस्तों, तो उसमें और 69,000 में भी दोस्तों ये साफ साफ लिखा है कि दोस्तों इसका जो नियम और कानून होंगे ना, सिर्फ इसी भर्ती के लिए मान्य है। उसके बाद दोस्तों देखिए, हमारा तो सीनियर नहीं था 18 को तब इतना बवाल काटे, आज इनका सीनियर तो दूर जूनियर भी गायब हो गया। जज साहब ने खुद पढ़कर बताया कि वह कटाव केवल 2018 वाली भर्ती के लिए ही था। फिर 268,500 के पासिंग मार्क 40-45 को 69,000 में अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार ने अपनी परीक्षा नियमावली 2018 में यह बात कही है कि यह भर्ती परीक्षा केवल इसी भर्ती के लिए मान्य है। ये दोस्तों एजी सर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात हमने आपको कितनी बार बताया कि आपने अगर विज्ञप्ति भी दोस्तों हमने आपको दिखाई कि उस विज्ञप्ति में लिखा क्या है। देखिए विज्ञप्ति के आधार पर बात हो रही है, उसमें क्या लिखा है। फिर दोस्तों देखिए क्या होता है कि आपके दोनों जज का कमेंट कि 68,500 में आपने पहले पासिंग मार्क का डिसाइड किया, 69,000 में परीक्षा के बाद दोस्तों क्यों लगाया। अब दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों। फिर एजी टाइम टू टाइम, फिर उन्होंने ये बात कही कि टाइम टू टाइम पर दोस्तों कट ऑफ को आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ जज साहब का ये कमेंट करना भी दोस्तों एक बड़ी बात है, ठीक है ना। इस समय आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों जज साहब ने फिर से वही बात दोहराई जो हर बार वो कहते आ रहे हैं कि आपने ये पहले क्यों नहीं किया, पहले भी कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द टाइम ऑफ डिक्लेयर कट ऑफ पावर सर, एचएन सर ऑन डाइस, फिर डाइस पर होते हैं। एजी ने कहा कि 68,500 की परीक्षा मात्र उसी भर्ती हेतु थी, जिस पर एचएन सिंह साहब ने ऑब्जेक्शन किया। परीक्षा मात्र उस भर्ती के लिए नहीं थी लेकिन रूल नहीं, ठीक दोस्तों। मतलब परीक्षा दोस्तों उसी भर्ती के लिए थी, लेकिन दोस्तों जो उसके नियम और कानून थे वो उस शिक्षक भर्ती के साथ दोस्तों आने वाले हर शिक्षक भर्ती में लागू होंगे, कुछ ऐसा कहना था। फिर देखिए जिस पर आपके कोर्ट ने रोका कि अपनी बहस में बताइएगा, ठीक है का अपनी बहस आप जब करिए तब बताइएगा। DSSB प्राथमिक भर्ती का ऑर्डर भी दोस्तों डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों सुभाष चंद्र मारवा के स्टेट ऑफ हरियाणा 1974 के माध्यम से रूल और आर्गुमेंट संबंधी तर्क महाधिवक्ता रखते हुए। फिर दोस्तों आपके एचएन सिंह बीच में कूदे अनुभव 4-5 को लेकर। स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैव द पावर इज इशू एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इंटरनल मैटर ऑफ डिपार्टमेंट, देयर इज नो वायलेशन ऑफ रूल #AG सर। अनुभव 4 और 5 वाले विवाद पर टिप्पणी। फिर दोस्तों एचएन सिंह सर की आपत्ति, जिस विभाग का काम है अगर उसके अलावा कोई और वो काम करता है तो ऑर्डर की वैधता पर प्रश्न चिन्ह उठता है। इस बात को दोस्तों जरा समझिए क्या बोला कि एचएन सिंह सर ने कहा कि आपत्ति जिस विभाग का काम है अगर उसके अलावा कोई और वो करता है काम तो ऑर्डर की वैधता पर दोस्तों प्रश्न चिन्ह उठता है। फिर दोस्तों बात होती है आपकी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की पावर स्पेशल सेक्रेटरी रखता है और उस पत्र में उसी के आदेश से निर्गत किया गया था। फिर दोस्तों आपके एचएन सिंह साहब द्वारा 7 जनवरी 2019 विशेष सचिव द्वारा जारी पासिंग मार्क के पत्र को उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है ऐसा कहा गया। फिर दोस्तों क्या होता है आपके, देखिए एचएन सिंह साहब ने रोक कर कहा 7 जनवरी 2019 विशेष सचिव द्वारा जारी पासिंग मार्क पत्र उनके अधिकार के क्षेत्र का नहीं आता। फिर एचएन सिंह सर और महाधिवक्ता के बीच तीखी बहस अभ्यर्थियों की संख्या और भर्ती पर शिक्षा मित्रों के अधिकार को लेकर हो रही है। बीएड मुद्दे पर दोस्तों मामला फिर गर्मा जाता है यहाँ पर। फिर दोस्तों आपके एनसीटीई ने शामिल किया तो हमने भी शामिल किया और दोस्तों क्राइटेरिया तय करने की सर्वोच्च संस्था है एनसीटीई। एनसीटीई संबंधी दस्तावेज न्यायालय को सौंपे गए। महाधिवक्ता का दोस्तों दावा 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी तथ्य नियम एवं कानून के तहत पासिंग मार्क और पासिंग मार्क का जारी पत्र बीएड को शामिल करना सब कुछ नियम एवं नियमावली के अनुसार है, सारे अधिकार नियोक्ता के पास सुरक्षित हैं।
ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपको अगली सुनवाई 28 जनवरी दिन मंगलवार दोपहर 2:15 पर दोस्तों समय मिलता है। देखिए आज आपकी एक अच्छी खासी सुनवाई हुई। एक अच्छी दोस्तों बात ये भी थी आज की कोर्ट में आपको मतलब सुनवाई देखने को मिली। अधिकतर दोस्तों आपने देखा होगा कि यार कोर्ट में कुछ होता नहीं, खाली वहाँ पर 10-5 मिनट की बहस चलती थी दोस्तों, लेकिन आज तकरीबन अच्छी खासी बहस आपकी चली है, घंटे भर तो चली है। तो आज की दोस्तों जो सुनवाई थी उसमें देखिए काफ़ी चीज़ें दोस्तों ऐसी थी कि कुछ हटकर बातें हुई दोस्तों, लेकिन आज सबसे अच्छी खुशखबरी आपके लिए थी कि आज बीएड मुद्दे पर बात उतनी ज़्यादा नहीं हुई। देखिए दोस्तों जब आपके बीएड मुद्दे पर बात ज़्यादा होती ना तो आप समझ रहे हैं कि यार आपका कोर्ट मतलब जो केस है ना वो भटक जाता रास्ते से। तो आज दोस्तों अगर आप बीएड मुद्दे से ये केस थोड़ा अलग रहा तो दोस्तों ये आपकी छोटी मोटी जीत हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि मतलब आप जल्दी आने वाले टाइम में आपका कुछ हो सकता है, मतलब ये शिक्षक भर्ती में दोस्तों कुछ जीत हार की तरफ ये शिक्षक भर्ती बढ़ रही है। अब देखिए दोस्तों आज की सुनवाई के बाद अगर आप बात करेंगे किसका पक्ष मजबूत, देखिए दोस्तों दोनों पक्ष ने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, जो हम आपको काफी पहले वीडियोस में बताया था कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती का विज्ञप्ति है, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जब पहले सिंगल बेंच थे दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आपने देखा होगा जब 40-45 की जीत हुई थी तो दोस्तों उस समय जो 60 और 65 टीम थी उन्होंने विज्ञप्ति को उतना आधार नहीं बनाया, लेकिन दोस्तों इस बार उन्होंने विज्ञप्ति को जज किया, मतलब समझा कि क्या है यार विज्ञप्ति। तो अब दोस्तों केस काफ़ी अच्छा चल रहा है, अब देखिए बहुत ही जल्दी हो सकता है कि आपका ऑर्डर रिजर्व हो सकता है और अगली सुनवाई दोस्तों 28 जनवरी दिन मंगलवार को होगी। और उम्मीद है दोस्तों कि अब ज़्यादा दोस्तों वैसे कुछ केस में बचा नहीं है, खाली घुमा फिरा कर बातें की जा रही है। तो देखते हैं दोस्तों अगली सुनवाई दोस्तों आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोस्तों देखिए जो आज की आपकी सुनवाई हुई है ना उसमें कुछ आपको जैसे अगर देखने में लगा होगा कि आज की सुनवाई पूरी फिर से अगर आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आज आपको दोस्तों डेफिनेटली लगेगा कि हाँ आज कुछ दोस्तों तथ्यों पर बात हुई। हर बार दोस्तों यही होता था कि बीएड मुद्दा मतलब बीएड से दोस्तों हटकर आज कटाफ मुद्दे पर दोस्तों ज़्यादा बात हुई। जस्ट आपने भी दोस्तों बीच में आपको देखा कि टोका कि नहीं, आप बताइए कि यार जो पासिंग मार्क लगा वो बाद में आपने क्यों लगाया, पहले भी लगा सकते थे। हर बार दोस्तों बात आके यही फंसती कि यार पासिंग मार्क पहले बाद में। अब दोस्तों देखिए लास्ट लाइन आप केजी सर की कहते हैं उसको पढ़ते हैं फिर वीडियो को बंद करते हैं यहीं पर कि महाधिवक्ता का दावा है दोस्तों कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी तथ्य नियम एवं कानून के तहत पासिंग मार्क का जारी पत्र बीएड को शामिल करना सब कुछ नियम एवं नियमावली के अनुसार सारे अधिकार नियोक्ता के पास सुरक्षित है। देखिए दोस्तों आपके महाधिवक्ता एजी सर का आना दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है, मतलब अब ये बात दोस्तों साफ हो जाती है कि अब ये केस में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए हाँ आज की सुनवाई के बाद दोस्तों ऐसा कहीं नहीं कि आपके 40-45 का पक्ष मजबूत है या 60-65 का, दोनों पक्ष दोस्तों आपका बराबरी पर चल रहा है। ये नहीं कह सकते दोस्तों कि आपकी 40-45 कट आपकी हार हो रही है या 60-65 की जीत हो रही है, मतलब दोस्तों आज की सुनवाई के बाद सभी केस दोनों पक्ष आपका 50-50 पर आकर अटक जाता है। आज एजी सर की दोस्तों वहाँ पर उपस्थिति ये दर्शाती जरूर है कि अब इस सुनवाई में दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं बचे, मतलब आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है कि दोस्तों बहुत ही जल्दी आपका केस का निपटारा होने वाला है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को देखी हो। फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड, और सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए।